लोकप्रिय टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा लंबे वक्त से कुछ और वजहों से चर्चा में है। कई सितारे ये शो छोड़ चुके हैं और वहीं प्रोड्यूसर अमित कुमार मोदी पर आरोप भी लगाए हैं और बहुत ही गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप लगाने वालों में से एक नाम एक्ट्रेस प्रिया आहूजा का भी है, जो इस शो में रीटा रिपोर्टर का रोल अदा कर चुकी है। प्रिया ने कहा कि अब वह शो का हिस्सा नहीं है और न ही होना चाहती है। उन्होंने खुद को शो से हटाए जाने की वजह का भी खुलासा किया। प्रिया का कहना है कि उनके पति मालव ने जब ये शो छोड़ा उसके बाद ही उन्हें हटा दिया गया। बता दें कि मालव राजदा शो के डायरेक्टर थे और उन्होंने बीते वर्ष दिसंबर में शो को अलविदा कह दिया। प्रिया आहूजा का कहना है कि उन्होंने शो छोड़ने के लिए मेल किया था तो मेकर्स ने उनके ईमेल का रिप्लाई तक नहीं दिया। प्रिया ने कहा, मैं फिर आधिकारिक रिजाइन किया है, अब मैं शो का काम नहीं करूंगी, और उन्होंने इसका भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। किसी भी मेल का जवाब नहीं दिया गया। प्रिया का कहना है कि वे शायद मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं थककर खुद ही रिजाइन कर दूं और वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लूं, और ऐसा ही हुआ। मेरे शो छोड़ने के बाद ही जानती हूं कि मेकर दो दिन में मेरी जगह किसी और को रख लेंगे, और वो ले भी आए। मैं मालव राजदा की पत्नी हूं, इसलिए मुझे शो को हटाया गया, लेकिन मैं किसी की पत्नी बनने के लिए इस शहर में नहीं आई थी। वह किसी आर्टिस्ट के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। मालव भले ही इस शो के डायरेक्टर रह चुके हैं, लेकिन मैंने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करी, लेकिन आशीष जी ने मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिला दिया, क्योंकि मालव ने शो छोड़ दिया था, उन्होंने मेरे साथ भी वही किया, मुझे मालव के कारण निकाल दिया। प्रिया आहूजा ने यह खुलासा भी किया कि पति के साथ भी कई बार दुर्व्यवहार किया है। ये आशीष मोदी ऐसे ही हैं, जिससे परेशान होकर उन्होंने शो छोड़ दिया था। वे एक महीने के नोटिस पीरियड पर थे, लेकिन 15 दिन के बाद आशीष जी ने मालव से सोहेल के जरिए ये कहलवाया कि उन्हें अगले दिन से सेट पर आने की कोई जरूरत नहीं है, अब उनका कोई काम यहाँ पे नहीं रह गया है। अमित मोदी के इस व्यवहार के मालव आहत हुए और रो भी पड़े, क्योंकि इतने वर्षों के शो का निर्देशन कर रहे इस शो को वे अपने बच्चे की तरह समझते थे।